सो भाई चलते हैं, अभी हो गई स्कूटी रेडी और ये खड़ी हीरो मैस्टरेज। तुम्हारे भाई ने ग्लव्स पहन लिए, आ गए सुबह होते ही भटकते हुए इधर। ये 6 बजे से भटकना चालू कर देते। और ये अपने सुरेश अंकल, ये अंकल का स्टोर बालाजी किराना एंड जनरल स्टोर, जो मेरी शॉप के बिल्कुल बाजू में गली खजूर वाली के बिल्कुल सामने टक्कर पे। और ये भाई राजू, इनकी हवेली सामने, मोहन राम। तो भाई चलते हैं नोएडा, लेट हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा छोड़ जाऊं, ये तो खुदाई होगी, ये आज होगा। तो भाई सुरेश अंकल बड़ा खुश होते हैं, ब्लॉग में बनाता तो सुरेश अंकल कहते भाई थोड़ी सी हमें भी ले लो, मजे आते हो नहीं वीडियो ले लो। अपने जमाने में बहुत बेहतरीन राइडर रह चुके हैं ये। जिस टाइम पे लोग स्कूटियाँ चलाते थे ना, उस टाइम पे सुरेश अंकल का करिश्मा थी, करिश्मा नामी गिरामी धूम वाली बाइक करिश्मा। सो गाइस अपने को जाना है ग्रेटर नोएडा सेक्स, वो सॉरी नोएडा सिंपल नोएडा, हाँ नोएडा सेक्टर 73। गया मैं काफ़ी टाइम हूँ जैसे कि मैंने आपको भी बताया, लेकिन ऐसे टारगेट रख के फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कि हमें कहाँ जाना है, इस तरीके से तो मैं कभी नहीं गया। ये एक टारगेट है कि हमें सेक्टर 73 जाना है, ऐसे तो मैं कभी नहीं गया फिलहाल जैसे अब जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि स्कूटी पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, स्कूटी पे मीटर भी चालू है गाड़ी का। उन्नति और नितेश ने आज मेरे को स्कूटी डिलीवर बॉय भी बना दिया। भाई ये पब्लिक मुझसे क्या क्या कराएगी, फिलहाल एक्सपीरियंस है देखते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक वो पिछले हफ्ते नहीं अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने एक R15 डिलीवर करी थी जो कि राजस्थान गई थी। मेरे को वो भाई जिनको बेची थी मास्टर जी को, वो अपने पीतमपुरा मेट्रो पर मिले थे अभी तो फिलहाल। उसके बाद में मैंने एक गाड़ी और करी थी शायद जुपिटर क्लासिक डिलीवर करी थी जो कि आज़ादपुर मंडी के पास के भाई थे। उसके बाद मैंने शायद 2 गाड़ी और डिलीवर करी है, एक एक्टिवा और ग्रे कलर की 2015 का मॉडल मैंने ग्रुप में डाली थी और अपना यूट्यूब आईडी में भी डाली थी। और फिलहाल ये मैं इस हफ्ते की 4थी या 5थी स्कूटी है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और मैं डिलीवर यूँ नहीं कर रहा कि डिलीवर का काम है, मैं डिलीवर गाड़ी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बंदा 2-3 गाड़ी लेके जाता है ना, तो वो एक गाड़ी फंस जाती है, वो कहता है भाई तुम पहुँचा देना। अब मैं सोचता हूँ चलिए यार बेचारा इतनी दूर आएगा दोबारा इतनी दूर परेशान होगा, अल्लाह मैं ही छोड़ जाऊँगा। और सुबह सुबह गाड़ी छोड़ जाता हूँ, मेन मसला ये है कि मेरा सुबह सुबह घूमने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है क्योंकि मेरे को सुबह सुबह घूमना पसंद है। और इसी बहाने मेरे को स्कूटी का भी बहाना मिल जाता है कि मैं स्कूटी छोड़ ले जा रहा हूँ, फिलहाल मैं अपना घूम के वॉक पर निकल जाता हूँ सुबह सुबह। हाँ वॉक तो वो थी जो पैदल घूमे, लेकिन मेरे को पैदल घूमने का समझ में नहीं आता इस बारे में, स्कूटी या बाइक लेके निकल जाता हूँ। इससे 2 काम होते हैं, पहला गाड़ी जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँच जाती है, दूसरा मेरा अपना एक ब्लॉग शूट हो जाता है और थोड़ा मेरे को 2-4 घंटे अपने आप से बात करने का मौका मिल जाता है। तो अपने आप से बात भी बहुत करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। फिलहाल ये है ब्रह्मपुरी का रोड, आने वाली है ब्रह्मपुरी वो गली जहाँ पे मिलता है सारा स्क्रैप का माल बोले तो, यानी कि सस्ता माल जो लाडों में दुकानों में मॉलों में मिलता है वो माल सस्ता वाला, तो वो गली है ये ब्रह्मपुरी दीपाली मेडिकल के सामने वाली गली है जहाँ पे ब्रह्मपुरी में हर पुराना माल मिलता है। फिलहाल स्कूटी की बात करें तो इसका मीटर भी चालू है, दोनों ब्रेक ओके रिपोर्ट में है, कोई चूचा की आवाज़ नहीं है। एक बैटरी मैंने एक्स्ट्रा इसकी डिक्की में डाल ली है क्योंकि उन्नति के पास जो स्कूटी है परसों गई थी वाइट कलर की मैस्ट्रो 16 मॉडल, तो उस गाड़ी की बैटरी थोड़ी वीक हो रही है, तो उसका कहना है कि भैया बैटरी वीक हो रही है, यहाँ पर चार्जिंग का जुगाड़ नहीं है तो आप एक बैटरी एक्स्ट्रा ले आना। फिलहाल तो मैंने एक चलती हुई गाड़ी वीगो TVS वीगो की बैटरी निकाली है, अब उसमें हम दूसरी डाल देंगे, अभी अल्लाह मालिक है देखो क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल सेक्टर 73 के लिए हमें निकलना है कहाँ से, मेरे हिसाब से हम लोग वहाँ से निकले क्या कहते हैं उसको, यहाँ से सीधा अक्षरधाम मंदिर से, आश्रम मंदिर अक्षरधाम है, आश्रम शायद है आश्रम चौक है, नहीं नहीं अक्षरधाम मंदिर से, फिलहाल मेरे हिसाब से अक्षरधाम मंदिर से निकलना चलेगा। यहाँ से सीधा गीता कॉलोनी से सीधा एकदम ITO के फ्लाईओवर से नीचे, नहीं सीधा लक्ष्मी नगर मदर डेयरी होते हुए सीधा अपना नोएडा में स्वागत है का बोर्ड लगा होता है वहाँ पे कालंदी कुछ क्या है उसका नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, जो मायावती का वो हाथी वाला पार्क बना बड़ा सा, यहाँ पे आजकल लोग टिकटॉक की वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो है अपना आनंद विहार बस अड्डे से, तो अभी गाइस ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा कौन सा रास्ता बेस्ट होगा,
लेकिन मैंने मैप पे डाला था तो यही वाला रास्ता दिखा रहा था कि कहता गाजीपुर वाला। तो कहीं एक काम करते हैं, हम लोग गाजीपुर से निकलते हैं, जो रास्ता मैप दिखा रहा है शायद मैप ने भी कुछ सोच समझ के ही दिखाया होगा भाई, इसीलिए मैप से ही निकल जाते हैं, बेहतर तो ये रहेगा अपने लिए। अरे भाई चलो यार, बीच में लाके खड़े हो गए दरियागंज वाले ऑटो वाले, भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये है सीलमपुर की मार्केट जहाँ से मिलता है दरियागंज का ऑटो, और अपना ज़्यादातर टारगेट दरियागंज का ऑटो ही रहता है यहाँ पर, बाकी लोकल ऑटो ही होते हैं दरियागंज के, बाकी इधर लोनी के और अपना इधर उधर के ऑटो नहीं होते यहाँ पे, इनका स्टैंड है खाली दरियागंज और दरियागंज से सीलमपुर मार्केट। 30 रुपये सवाई लेते हैं लोग भाई, मैं भी एक बार आया था 30 रुपये मांगे ने तो मेरे को तो पहला शॉर्ट हो गया, मैंने भाई दरियागंज से 30 रुपये सवारी के, हाँ भाई CNG बहुत महंगी हो रही, किराया बहुत महंगा गाड़ियों का। तो भाई ये आ गए अपना सीलमपुर की बत्ती, जहाँ से हम लोग कहीं से भी आएंगे तो यहाँ पे रिक्शा लेते हैं हम लोग सीलमपुर ब्रह्मपुरी के लिए, ये वो रास्ता ब्रह्मपुरी का। और ये निकल गए भाई, स्कूटी पर मस्त चल रही यार, लेकिन अब मैं स्कूटी पर लग कैसे रहा हूँ इसके बारे में तो पता नहीं भाई, कैसा लग रहा हूँ कैसे नहीं। और फिलहाल तो मैक सन का मतलब क्या होता है भाई, सन का मतलब तो मॉर्निंग हो गया शायद है ना, बत्ती हो रही है भाई, लेकिन यहाँ की बत्ती तो भैया बड़ी ख़तरनाक है, बत्ती पे भी सब लोग तोड़ रहे थे, फिर हम पीछे क्यों ने, हम भी तो इन सब में से एक हैं, हमने बत्ती का पालन करके क्या करना है जब किसी ने नहीं करना है। तो ये है सीलमपुर का कोर्ट, जी हाँ सीलमपुर की अथॉरिटी, जहाँ पे छोटे मोटे केस का मसला हल होता है और अपना कोर्ट के एफिडेविट वगैरह बनते हैं, एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं सीलमपुर की लाल बत्ती पे। और अभी आने वाला SDM ऑफिस, ये है सीलमपुर का SDM ऑफिस, जहाँ पे अपने SDM साहब बैठते हैं। वो भाई ये कौन खड़े हैं, ये चौकीदार का खड़े भाई, ये बंदे इतने सारे नीली वर्दी वाले, इनकी तो वर्दी इतनी ख़तरनाक होती है, बंदा तो आधा वैसे ही खौफ में आ जाता है इनको देख के, बाकी दिल्ली पुलिस से ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं, लेकिन इनकी कमाई है नहीं होती बेचारों की,